हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है सर। फाइनल स्टेज पे नाउ वी गोइंग टू हैव एग्जाम। तो अब इस एग्जाम को कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, तो इस वीडियो को लेके आऊं। रीजन आई लेट यू नो गाइस कि शुरू से लेके आखिर तक जो क्वेश्चन बार बार दिमाग में आ रहे थे वो सारे यहाँ पे, एंड देन हाउ वी गाइस गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पेपर। इस पूरे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रिपरेशन क्या होगी, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और हम कैसे नंबर ला सकते हैं इसमें, वो सारी डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो को। तो प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। शुरू करते हैं क्लास को। द फर्स्ट एग्जाम पैटर्न, सबसे बड़ा क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में बार बार आ रहा है, सर ये एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। इस वीडियो में बता दूंगा एग्जाम पैटर्न के, ठीक है। जो अभी पेपर है यहाँ पे, तो इस एग्जाम पैटर्न इस पेपर में क्या रहने वाला है वो सब बताऊंगा आपको। नंबर टू कहता, व्हाट इफ कंप्लीट आरटीसी कम। सर पूरा पेपर आरटीसी वाला आ गया, मतलब वो पेपर आ गया जो कोई भी नहीं चाहता। अगर कंप्लीट आरटीसी आता है फिर कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन उनके लिए जो सोचे अगर ये ऐसे टाइप हो गया कंप्लीट पूरा पेपर ऐसे टाइप आ गया जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आरटीसी होता है और बाकी सारा का सारा क्या ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पॉइंट्स। प्लीज आप बता दो सर, हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। सो वी विल गोइंग टू हैव अ एज इन एग्जाम की यार हाँ हमें पता यार ये पॉइंट है, इन पॉइंट को करना है, बहुत आराम से कर पाएंगे। Then I'll come to next one. How to write critical appreciation? ये सबसे important question है जो बच्चे बार बार पूछते हैं। सर एक वीडियो बना दो प्लीज क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, ताकि हमें बताओ क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखी जाएगी, लिखने का तरीका क्या होने वाला है। Then we are having, can we score 70 plus? I repeat, 70 plus just 4 to 5 days. जादू नहीं करना, yes, I don't know, जादू मैजिक से कहते हैं, लेकिन हाँ है यार इसी वीडियो में बताऊंगा पूरा का पूरा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं आपको। Then I come next one, how much I need to write down, मतलब पेपर में कितना लिखना है। सर अगर वो एक आर्टिस्ट ये है तो उसमें कितना लिखना होगा, कितनी चीजें क्लियर करनी, क्या क्या एड ऑन करना है, वो किन चीजों को स्पेसिफिकली बताने के लिए आंसर का पार्ट है। Then, blocks, can I avoid? कई सारी चीज मानते जिनमें क्वेश्चन याद है कौन सा ब्लॉक अवॉइड कर दू, यार ये नहीं हो रहा यार बहुत बड़ा यार तो इसको छोड़ दो सर। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा तरीका है जिसमें कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और सब कुछ हो भी जाएगा। नाउ कम टू कहता, व्हाट नेगेटिव इफ वी डोंट हैव इंग्लिश बैकग्राउंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट थी जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं, जिनको लगता है यार हमने इंग्लिश ऑनर्स तो की नहीं है तो हमें क्या दिक्कत होगी, यार सर हमारा बैकग्राउंड नहीं है, सो हाउ वी गोइंग टू गेट, हमें कैसे क्लियर होगा, हम किस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, सारी चीजें मांग आती। एंड द लास्ट हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें, तीन दिन लगे पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं, पेपर आ चुके हैं सर कैसे करें तैयारी, यहां से शुरू होती है वीडियो। तो अब आपकी बारी एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग पेपर पैटर्न क्या रहेगा, 70-30 के पोर्शन बता रहा हूं आपको, एक्चुअली 80-20। पहला क्वेश्चन होगा आपका आरटीसी, द फर्स्ट क्वेश्चन बी द आरटीसी। अभी आरटीसी कहां से आएगी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहां से होंगे, वो चार पोएट्रीज हमें बताओ चाहिए, यार ये पोएट्री हो सकती है हम इनको क्लियर करेंगे। एंड द ऑल रिमेन मे बी सब कौन से होंगे ऐसे टाइप, लेकिन 30% चांस है कि पेपर पूरा आरटीसी होगा, मैंने आपको पूरा बता दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं करूंगा। 70% चांसेस है कि ऐसे टाइप पेपर होगा इस बार का, वो 30% चांसेस है कि पूरा पेपर होगा आरटीसी। अब कई बच्चे बाद में कमेंट करते हैं, अरे सर आपने कहा था कंप्लीट ऐसे टाइप हुआ आरटीसी आ गया, तो पेपर मैंने नहीं बनाया, मैं आप लोगों को पूरी क्या कर रहा हूँ सारे टिप्स दे रहा हूँ कि ये पॉइंट है, ये चांसेस हैं, इन चांसेस से पेपर आ सकता है। अगर पूरा आरटीसी आता है तो यहाँ सारी पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, अगर इनको क्लियर करोगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। अगर पूरा आरटीसी ना होके ऐसे टाइप पेपर आता है तो जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए प्रीवियस वीडियो में पार्ट वन पार्ट टू में, अगर आपने किया तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। देन यू गाइस नीड नॉट टू कंप्लेन कि यार सर आपने बताया नहीं, मैं हर चीज आपको बताऊं। तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया गाइस कि यार पैटर्न क्या है, तो आई होप आपने पैटर्न लिख लिए, यस गाइस यू नीड टू राइट द पैटर्न, तो पैटर्न आप लिख चुके। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इफ कंप्लीट आरटीसी का, और सर कंप्लीट आरटीसी आता है, यस कंप्लीट आरटीसी आता है तो क्या करना है, तो अब उठाओ पेन और नोटबुक और लिख लो इन पॉइंट्स को। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कई लोगों, लेकिन बच्चों को ना क्या है कई चीजें क्लियर नहीं होती, उनको लगता है कि सर आपने बताया नहीं पहले यार प्लीज आप बता दो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हर चीज क्लियर कर रहा हूँ,
हम सब जानते हैं 10 ब्लॉक है हमारे पास, वी हैव इन 10 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स में कितनी पॉइंटें करनी लिखते रहेंगे आप, अगर ये 30 को क्रॉस कर जाती 30, तो गाइस वीडियो मत देखना मेरी कभी भी, ठीक है, और खाली जो आपका मन करता वो करना। ये 30 भी नहीं है, हाँ रिपीट, ये 30 भी नहीं है नंबर ऑफ पोएट्रीज, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पोएट्रीज को ऑन टिप करना है, एंड आई प्रॉमिस दैट यू गाइस आर गोइंग टू लॉग इन दिस पेपर, मतलब हर क्वेश्चन आपको आता होगा। ब्लॉक वाइज प्रिपेयर करना है, स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ कैंटरबरी टेल्स है, जिसको हम पार्ट आउट कर सकते हैं जनरल ब्लॉक और नॉन प्रीस्ट टेल में, तो मैंने कहा तीन पार्ट कर दी, एक ही के तीन कर दी, कैंटरबरी टेल्स, नॉन प्रीस्ट टेल और जनरल प्रोलॉग, ये क्लियर हुआ आपको। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट पार्ट, सर स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, ब्लॉक वन कंफर्म है, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वो आरटीसी आता है तो आएगा, अगर वो एसए टाइप होता तो भी 100% क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली ब्लॉक वन नहीं, ब्लॉक वन और टू 100% श्योर है कि इन दोनों ब्लॉक्स का क्वेश्चन होगा ही होगा एग्जाम में। तो वो हमने बात की सर कैंटरबरी टेल्स, नॉन प्रीस्ट टेल और जनरल ब्लॉक, कैंटरबरी टेल्स जनरल ब्लॉक को प्लीज कर लेना, फिर बाद में बोलो सर आपने बताया नहीं था। आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्थम एलियन, प्रथम एलियन एंड एमरिटी, एमरिटी के तीन सोनेट्स हैं यार, पहले उनको करना, ज्यादा दूर नहीं जाना, मैंने कहा था चैनल में है सारी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उसको कर सकते हैं इजिली, गाइस गो टू द प्लेलिस्ट, वहां पे आपको एमरिटी के तीनों सोनेट्स मिलेंगे, तीनों सोनेट्स को थॉरली देख लेना आप लोगों ने। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट सर, मैटर फिजिकल पोएट्री, इन बिटवीन यार जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं गाइस प्लीज मुझे बताना क्या इको कम हुई, जिस इको वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, आई हैड डन बड़ी सारी कोशिश की बार बार, इस बार फिट रह गए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इस वीडियो की ऑडियो क्वालिटी एज कम्पेयर टू लास्ट वीडियोज कितनी अच्छी है या वैसी है या कोई चेंज आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कम टू नेक्स्ट वन, गुड मोरो, द फर्स्ट इज गुड मोरो, सर ये मेटाफिजिकल पॉइंट है, ज्यादा नहीं है अभी, नंबर वन गुड मोरो, नंबर टू द गार्डन, नंबर थ्री द एक्टसी पुणे द कैनाइजेशन एंड टू हिज कॉयमिस्टर्स, टू हिज कॉयमिस्टर्स, तो ये हमें क्लियर करना है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा, तो आपने कहा सर टू हिज कॉयमिस्टर्स आपने पूरा पूरा क्लियर कर दिया, तो ये हो गई तीन पोएट्रीज, नहीं सर एक्चुअली चार से पांच, द गुड मोरो, द गार्डन, द एक्टसी पुणे, द कैनाइजेशन एंड टू हिज कॉयमिस्टर्स। हाँ फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी डेज है, उसके पास आप कर सकते हैं जितने मर्जी का, तो ये हो गए हमारे ऑलमोस्ट तीन ब्लॉक्स। सर कौन से क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं, अगर पूरा का पूरा पेपर आरपीसी आता है तो ब्लॉक वाइज हमने कितनी पॉइंट कर ली, एक तीन और पांच, एक तीन और पांच, एक जमा तीन चार, चार पांच नौ, सर नौ हो गए हमारे पास। एंड देन वी विल कम टू नेक्स्ट वन, हियर कहता ब्लॉक नंबर सर बीच में डाल दिया कि आप लोग रीड कर ले, क्योंकि एल एलिग्रो अपने आप पढ़ना कंप्लीट नहीं है, एल पेंसिल पढ़ना पड़ेगा, दोनों पार्ट है कॉन्टिन्यू। तो हमने कहा सर ऑन द मॉर्निंग पीस नेटिविटी और लेसिडस, तो इसको मैंने यहां से हटाया, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप लोग प्लीज एक गो थ्रू करेंगे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। कम टू नेक्स्ट वन, मैथ फ्लेक्नो, 100% आपको ऑन टिप पहुंची, 100% ऑन टिप पहुंची है मैथ फ्लेक्नो, कंफर्म पेपर में आएगी, चाहे वो एसए टाइप क्वेश्चन है चाहे वो आरटीसी है। मैथ फ्लेक्नो एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट, आई रिपीट, एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट एंड द नेग्लेक्टेड जीनियस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था नेग्लेक्टेड जीनियस बी पार्ट है, रिटन बाय पोप, एज इन पोप, अब आपने कहा बहुत छोटी पोएम है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक रीडिंग आपको ऑन टिप कर देगी। नाउ आई कम टू नेक्स्ट फेज, द प्रीलूड, कुबला खान एंड द टाइगर, टाइगर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, विलियम ब्लेक, द प्रीलूड सर किसका नाम है, विलियम वर्ड्सवर्थ, कुबला खान, एसटी कॉलेज, सारे के सारे पॉइंट आए, हमने उनको डील करना है। देन रोमांटिक्स की बात करें, रोमांटिक पार्ट टू, हियर वी आर, द टेंथ ऑफ लाइफ एंड हाइपेरियन,
आरटीसी के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट गाइस। तो कितने हुए अभी तक? कुछ ज्यादा नहीं हुए, सिर्फ हमारे पास ब्लॉक नंबर 7 बना है। एंड देन हियर वी आर हैविंग द 10th ऑफ लाइफ एंड हाइपेरियन, क्लियर हुआ? सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। कम टू नेक्स्ट वन, हियर ब्लॉक नंबर 8, पॉपुलर वर द बिशप ऑर्डर हिज स्टॉर्म पैट्स चर्च सोडेलो एंड फ्रालिपोलिपी। इसको मैंने ऐड किया क्यों? आई लव ब्रॉनिंग, रॉबर्ट ब्रॉनिंग कुछ ज्यादा पसंद है, तो मैंने कहा इसको कर लेना, चांसेस नहीं इस बार आरटीसी में आ सकता है। एंड देन वी आर हैविंग ईस्टर 1916 द वेस्टलैंड नो सेकंड ट्रॉय। एंड आई विल कम टू द लास्ट फेज, दैट इज डैडी आई रिमेंबर दैट शैल हैव नो डोमिनेंस एंड मिस्टर बिल्डिंग। कितनी हो गई? 32। इनमें तीन फालतू लिखवाई जान के। अब तीन कौन सी फालतू है? आई एम नॉट गोइंग टू यू, यू गोइंग टू चेक। मैंने 30 ही बोली एक्चुअली 30 ही, दो मैं हटा चुका हूं, तीन और हटानी। तो 30 पोएट्रीज आपको करनी है ये, अगर वो पूरा आरटीसी आता है इनके पास कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उनको भी ऐड कर दो 35 टोटल, जिनको करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे आपके, जस्ट 3 आवर्स। कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ वीडियोस को देखना, सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो ये था कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करना है, किस तरह है, एंड दोस्त वो हैविंग नोट्स, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहां है आपके पास, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो हो गया हमारा हाउ व्हाट इफ कंप्लीट आरटीसी का, से आरटीसी आ गया, अब आरटीसी को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, जिसमें हम पोएट्री किसने लिखी है, पोएट का नाम क्या है, पोएट्री का नाम क्या है, पूरा डिटेल बताते हैं। कॉन्टेस्ट नंबर 2 होता है कॉन्टेस्ट, वहां बताते हैं यहाँ पे इस पोएट्री में क्या बात चल रही है। थर्ड एक्सप्लेनेशन, इसमें अगर आपके पास एक रफ आइडिया है उस पोएट्री के बारे में वो आप लिखेंगे। एंड देन आई गो टू क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, हाउ टू राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन। देखो इस क्वेश्चन आंसर पहले ही दे रहा हूं मैं। How to write critical appreciation is to judge the work of poet. वहां पे आपको poet के काम को judge करना है कि poet ने जो काम किया वो कैसे किया, उसने सही बताया नहीं बताया, उसकी work को आपने क्या करना है, judge करना है। Critical appreciation is not to criticize somebody's work. It is to judge some other work. किसी दूसरे काम को judge करना। तो ये था हमारा वो phase जो सबसे important है guys। इसके लिए एक वीडियो को लिखा हुआ क्रिटिकल एप्रिशिएशन कैसे लिखनी है। आई गम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्ट पॉइंट्स एंड पॉइंट्स। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया, क्योंकि जिनके मैंने पॉइंट्स लिखे उनके पॉइंट्स के नाम आपको पता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऑन टिप होने चाहिए। ऐसे टाइप क्वेश्चंस की वीडियो को प्लीज देखना। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं ऐसे टाइप वीडियोस के लिंक नीचे डालूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आराम से उनको क्लिक कर पाए। आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी स्कोर 70+ In just 4 to 5 days, 100%। Yes sir, मजाक तो रो, जो लोग सालों से पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, वो नहीं स्कोर कर पाते, हम कैसे पढ़ा रहे हैं? यार मैंने कहा है, सिर्फ हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें वो पढ़ना होता जो पेपर में बार बार आता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते हैं तो यू कैन स्कोर इन जस्ट 2 to 3 days, 4 to 5 days, तो ज्यादा हो गया। करना क्या है, स्ट्रेटेजी बताता हूँ हर चीज को करने का तरीका। अब जिन लोगों के पास यहाँ पे कंडीशन अप्लाई वाला स्टार डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैं बताऊंगा वो फॉलो अप करना है। पहला आप मेरे चैनल पे आएंगे, चैनल पे आते आप क्या करेंगे, सारी वीडियोस देखेंगे वन बाय वन। वीडियोस देखने के बाद आपने क्या करना है, जिनके पास मेरे नोट्स हैं गाइस वो ध्यान सुन लेना, उनको क्या करना है, फिर नोट्स उठाने, वीडियो देखने के बाद नोट्स को रीड करना है। रीड करने के बाद कम टू द क्वेश्चन आंसर, वहां मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको रीड करना है, उसको रीड करना है। एंड देन डू राइट डाउन योर ओन आंसर, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी। जिनके पास नोट्स नहीं है मेरे, वो क्या करेंगे, वो पहले वीडियोस देखें, आपके जो भी मटेरियल है आप उसको रीड करें, एंड देन डू राइट डाउन योर ओन, ये है स्ट्रेटेजी। एंड आई रियली मीन इट दैट यू गाइस कैन कंप्लीट द एंटायर कोर्स इन जस्ट 4 to 5 or 2 to 3 days। सब कुछ नहीं कहा मैंने, जो पीछे दिया है वो जो पेपर में आना है उससे कंफर्म तो 100% श्योर है। I'll jump to next question. Can I how much to write? Sir, कितना लिखना है? This is the point. ये बहुत important है, अब मैं बता रहा हूँ आपको लिखना कितना है।
पहली चीज जो आपके दिमाग में रहेगी, द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में रहेगी इज दैट पहले आरटीसी जब हम कर रहे हैं रेफरेंस कॉन्टेस्ट, उसमें बहुत लिमिटेड रहता है रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल एप्रिशन, इसमें कुछ बताने जरूरत नहीं, जितना नेसेसरी है उतना ही लिखेंगे। बट व्हेन इट्स अ एसे टाइप क्वेश्चन, जब ये एसे टाइप क्वेश्चन की बात आती है तब आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि यार मुझे क्या मेंशन करना है। आपको एसीटी फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, एसीटी, एनालाइज द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड टेस्ट। टेस्ट में आप पोएट का जो भी पोएट्री पढ़िए उसका प्लॉट डाल सकते हैं। टेस्ट में एनालाइज जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को लेके शुरू करेंगे, एक कॉन्सेप्ट एक कंप्लीट बेस प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे आप। ये जरूरी है हम आंसर कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, और इसके लिए प्लीज एक दो बार आप लोग जो मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए उनको रीड कर लेंगे, उनसे आपको आइडियोलॉजी मिल जाएगी यार ये है तरीका लिखने का। जब आप उसको रीड करके एक दो बार अपने आंसर लिखेंगे देन यू गोइंग टू द मास्टर, दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक्स आई कैन अवॉइड, सर कौन से ब्लॉक्स मैं अवॉइड कर सकता हूं। एज सच फॉर दिस पेपर यू मस्ट नॉट अवॉइड एनी ऑफ द ब्लॉक, क्यों, अगर पेपर आता है आरटीसी जो हमें किसी को नहीं पता कि पेपर कैसा आना है, पैटर्न वाइज बता दिया टाइप के चांसेस है, लेकिन अगर आरटीसी आता है तो वो आता है ब्लॉक वाइज, तो अगर मैं उसमें किसी ब्लॉक को छोड़ दिया तो मेरा वो क्वेश्चन 100% गलत हो गया जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैंने आपको मैक्सिमम किसी भी पार्ट में 4 या 5 पॉइंट दी किसी ब्लॉक में, और 4 से 5 पॉइंट करने में बहुत बड़ा इशू नहीं है, इट्स वेरी इजी, यू आई जस्ट फॉलो द स्ट्रेटेजी। तो यहां मैंने बोल दिया कि यार ये स्ट्रेटेजी यहां फॉलो मत करना। नाउ आई कम टू नेक्स्ट वन, व्हाट नेगेटिव इफ आई डोंट हैव इंग्लिश बैकग्राउंड, नथिंग, सीरियसली नथिंग। हाँ पॉजिटिव है, जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की हुई है उनको पॉजिटिव है दैट दे क्रैक द पेपर इजिली, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजिली, बट दोज डोंट हैव द बैकग्राउंड इट डजंट मीन दैट दे कैन नॉट गेट 80 or 90 in this particular paper, yes you can, because those who have the will definitely have the way. तो ऐसा दिमाग में मत लेके आना कि अगर आपका background नहीं आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। And now I'll come to last, how to start, follow the video guys, जो tips बताए उनको follow करो, कोई भी दिक्कत आती comment box में आओ और मुझे बताओ, प्लीज वो एक वाली बात को बताना कि ये वीडियो में आवाज क्लियर थी या नहीं थी, ताकि मैं कुछ और कोशिश कर पाऊं अगर यहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।